दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप बैठे बैठे सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, और इस तरीके से बैठे बैठे सूर्य नमस्कार का अभ्यास उन लोगों के लिए बड़ा ही लाभदायक है जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, जिनके लिए जगह की बहुत कमी होती है। कभी आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, या कि फिर उन सभी लोगों के लिए जिनको किसी फिजिकल हेल्थ कंडीशन के कारण, फिजिकल प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उठना बैठना बड़ा ही मुश्किल होता है, या कि मोटापा बहुत अधिक है, एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं योग अभ्यास की तरफ लेकिन उठना बैठना बड़ा मुश्किल होता है, तो ओबेसिटी की समस्या जिनको है उनके लिए भी बड़ा ही लाभदायक ये सूर्य नमस्कार होगा। साथ ही बुजुर्गों के लिए जो कि उठ बैठ नहीं सकते बहुत फ्रीक्वेंटली, उनके लिए भी बड़ा ही लाभदायक होगा। यूँ तो मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके के सूर्य नमस्कार सिखाए हैं, जैसे कभी खड़े होके, कभी अष्टांग विन्यास का सूर्य नमस्कार, कभी चेयर की मदद से सीनियर सिटीजन्स के लिए, और इन सारी वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको जब सहूलियत हो आप उन वीडियोज़ को भी देखें और उनसे भी आप सीखने की कोशिश करें। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को अंत तक बड़ी तसल्ली के साथ देखना है। मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, ये वीडियोस पसंद आ रही है, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको बैठे बैठे सूर्य नमस्कार के स्टेप्स बताऊंगी, बल्कि इसको जितना आसान किया जा सकता है उतना आसान करूंगी विद द हेल्प ऑफ योगा ब्लॉग। अगर नहीं है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आराम से अमेजन से उसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से, किस किस स्टेप में आपके सांसों की जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से होनी चाहिए। आइए आपको सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे बैठ के सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो आराम से आप अभी, मैं अभी अपने मैट के सेंटर पे हूँ, ये पोजीशन ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सेंटर से आपको आपके मैट के आखिरी सिरे पर यानी राइट एंड पर जाना है, वो लेफ्ट एंड है यानी दाहिने हाथ की तरफ। आराम से ऐसे, तो मैट के आखिरी में मैं आ गई ऐसे, इस तरीके से। अब आराम से वज्रासन में बैठ गई, ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से लोगों के लिए वज्रासन में बैठना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली नी पेन के लिए या जिनकी एंकल्स बहुत स्टिफ है, तो आगे थोड़ा सा रुकिएगा, मैं मॉडिफिकेशन बताऊंगी, तो घबराइएगा नहीं, पहले पूरा सीक्वेंस देख लीजिए। अब सांस लीजिए, सांस छोड़िए, बालासन, इसमें आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है, एंकल्स पर दबाव पड़ रहा है, घुटने पर दबाव पड़ रहा है, तो ये सारी स्ट्रेंथनिंग होगी। पोस्चर नंबर वन, सांस लीजिए, वज्रासन, पोस्चर नंबर टू, एंकल्स पर दबाव, आपकी काफ मसल्स पर, घुटने पर दबाव अच्छा पड़ रहा है, डाइजेशन बहुत बेहतर हो जाएगा इस अभ्यास से। अब पोस्चर नंबर थ्री, घुटनों पर खड़े हो जाएं और दोनों घुटनों के बीच में फासला कर लें, दोनों एड़ियों के बीच में भी फासला कर लें, अर्ध उष्ट्रासन, दोनों पाम्स को ऐसे कमर के ऊपर रखें, शोल्डर्स को रोल बैक करें, सांस लें, सांसों को रोकें, अर्ध उष्ट्रासन, और यहीं से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फुल उष्ट्रासन, इस तरीके से एक एक करके अपनी एड़ियों को पकड़ लें और हेड को ऐसे ढीला छोड़ दें। सांस छोड़ते हुए टेबल टॉप पोजीशन, और यहीं से अष्टांग नमस्कार, दोनों घुटनों को एक दूसरे के करीब ले आए, एड़ियों को एक साथ जोड़ें और ऐसे बॉडी को स्लाइड करते हुए चेस्ट को और फोरहेड को ड्रॉप कर दें, इससे बाजू बहुत मजबूत हो जाएंगे। सांस लेते हुए एड़ियों को जोड़ा हुआ है, देखिए नाभि मैट पर है, भुजंगासन, सांस को छोड़ते हुए पैरों को टक किया और ऐसे हिप को अप किया, एड़ियों को जोड़ा हुआ है और अपनी एंकल की तरफ देखेंगे ऐसे, पर्वतासन, फिर उसके बाद आपने यहां पर अपने घुटने को ड्रॉप किया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए वज्रासन, फिर सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए वापस से चाइल्ड पोज या बालासन और हेड को ड्रॉप कर देंगे ऐसे। चलिए 12 आसनों का जो सीक्वेंस है उसको सांसों के साथ साथ और पूरा सीक्वेंस दोहराते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पोस्चर नंबर वन, चाइल्ड पोज और बालासन,
क्वेश्चन नंबर टू, वज्रासन, सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया, अपने घुटने पर खड़े हो गए, पोस्चर नंबर थ्री, दोनों एड़ियों को एक दूसरे से अलग कर लिया, घुटनों को एक दूसरे से अलग कर लिया, कमर जितने फासले पर रखा है, सांस ले लिया, पोस्चर नंबर फोर, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखा, पोस्चर नंबर फोर, हाफ उष्ट्रासन। और यहीं से पोस्चर नंबर फाइव, अपनी एड़ियों को पकड़ लिया, पोस्चर नंबर सिक्स, यहां पर टेबल टॉप पोजीशन, घुटनों को जोड़ लिया, पोस्चर नंबर सेवन, अष्टांग नमस्कार, फोरहेड नीचे कर दिया ऐसे, सांस ले लिया, पोस्चर नंबर एट, भुजंगासन, छत की तरफ देखा, और फिर सांस को छोड़ते हुए यहां पर अपनी एंकल की तरफ देखा, पर्वतासन, एंकल की तरफ देखा, दोनों पैरों को जोड़े हुए हैं, फिर उसके बाद टेबल टॉप पोजीशन, अपनी एंकल पर बैठ गए हैं और अपनी हील पर बैठ गए हैं, वज्रासन, और फिर पोस्चर नंबर 12, बालासन। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के थ्रू कंडक्ट किया जाता है और इन जूम योगा क्लासेस के माध्यम से आज मैं देश नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। इन जूम योगा क्लासेस के माध्यम से आप किसी भी हेल्थ कंडीशन, जैसे कि आपको डायबिटीज़ की समस्या, थायराइड की समस्या, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या घट जाना, डिप्रेशन की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, ऐसी समस्याओं, साथ ही जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉडी में स्टेमिना गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये क्लासेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर आप ऐसी किसी हेल्थ कंडीशन से उभर रहे हैं ना, तो दवाइयों के साथ साथ आप इन योगा क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और उन सिम्टम्स से, उन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस से आपको उभरने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ पहला कदम रखा जाए, योग के क्षेत्र में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा जो एक कोर्स डेवलप किया गया है योगा फॉर बिगनर्स का, इन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स और जो क्लासेस हैं इनके बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप जो ये वेबसाइट शेयर की जा रही है इस वेबसाइट पर विजिट कर लें, या कि फिर आप जो ये नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर एक व्हाट्सएप करते हैं तो आपको इन क्लासेस और इस कोर्स के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी। बालासन, वज्रासन, स्टैंड ऑन योर नीज, दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर कर लिया, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, अगर दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को ना पकड़ पाए तो एक हाथ से अपनी एड़ी को पकड़े, और अगर नहीं पकड़ सकते एक पैर को भी तो आप अर्ध उष्ट्रासन तक करें इस तरीके से। फिर उसके बाद टेबल टॉप पोजिशन, घुटनों को जोड़ लिया एक दूसरे के साथ, घुटनों को जोड़ने के बाद अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, टेबल टॉप पोजीशन, टेबल टॉप पोजीशन से वापस से वज्रासन और बालासन। इतना आसान था ये सारा सीक्वेंस। और अब जो है मॉडिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मुमकिन नहीं होगा कि ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं या उष्ट्रासन का अभ्यास कर लें। तो सभी सीनियर सिटीजन्स, सभी ऐसे लोग जिनका बॉडी वेट बढ़ा हुआ है या बिगनर्स, उनको ये योगा ब्लॉक बहुत मदद करेगा वज्रासन में प्रोग्रेस करने में। तो आपको करना क्या है, आप एक योगा ब्लॉक, दो योगा ब्लॉक या तीन योगा ब्लॉक
का इस्तेमाल करके आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको जब आप योगा ब्लॉक में बैठेंगे तो इस तरीके से आपको योगा ब्लॉक रखनी है। अभी मैंने एक योगा ब्लॉक का इस्तेमाल किया है, आप 2 या 3 योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। अभी मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है तो मैंने सिर्फ एक योगा ब्लॉक इस्तेमाल किया है। तो आपने जब एक योगा ब्लॉक का इस्तेमाल किया तो इसको इस तरीके से रख लें अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे यहाँ पे इस तरीके से, और उस योगा ब्लॉक के ऊपर बैठ जाएं। कोशिश करें घुटनों को जुड़ा रखें, और अगर जुड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, इनको एक दूसरे से दूर करें ताकि आप आसानी से अभ्यास कर पाएं। तो इसमें घुटने एक दूसरे से दूर हैं। अब सांस लें और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आप फॉरवर्ड होंगे, चूँकि घुटने एक दूसरे से दूर हैं तो अगर आपका पेट बहुत बड़ा है तो आप आसानी से इस तरीके से झुक सकते हैं आगे की तरफ। और अगर माथा ऐसे ना रख पाए मैट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये योगाभ्यास आपके लिए है। डाउन सांस ले लें, अब अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं। जब घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं तो दोनों घुटनों के बीच में आप अपने कमर जितना फासला करें, और यही योगा ब्लॉक उठा के इसको अपनी एड़ी के पास रख दें इस तरीके से। और दोनों हाथों को जब कमर के ऊपर रखें, आपके हिप को ऐसे आगे की तरफ करें, तो हाफ उष्ट्रासन तो आप आसानी से कर लेंगे, अर्ध उष्ट्रासन आसानी से कर लेंगे। अब इसी को फुल उष्ट्रासन करना है तो थोड़ा एक कदम तो आगे बढ़ाना होगा, हिप को आगे ऐसे पुश कीजिए और ऐसे लंबे ऐसे लंबाई में रखिएगा योगा ब्लॉक को, और दोनों हाथों को ऐसे एक हाथ रख लें पहले, और जब दूसरे हाथ में प्रोग्रेस हो जाए तो दूसरे हाथ को ऐसे रख लें। तो इस तरीके से हो गया आपका उष्ट्रासन का अभ्यास। फिर उसके बाद आप आ गए टेबल टॉप पोजीशन में। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद फिर आप आ गए अष्टांग नमस्कार में। तो घुटनों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लीजिए, एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ लीजिए, और फिर उसके बाद अष्टांग नमस्कार। अब अष्टांग नमस्कार में डायरेक्टली ऐसे जाने में बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, तो आप क्या करेंगे कि पहले अपनी एड़ियों पे बैठ जाएं ऐसे। अब एड़ियों पे बैठने के लिए वापस से योगा ब्लॉक को आपने बीच में रख लिया, तभी तो बैठ पाएंगे ना। इस तरीके से टेबल टॉप से फिर से आप अपनी अपनी हील्स पर बैठ गए, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद अब आगे ऐसे स्लाइड करके फिर अष्टांग नमस्कार कीजिए, ऐसे आसानी से हो जाएगा। फिर भुजंग आसन, तो अपने दोनों एड़ियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़िए, भुजंग आसन। भुजंग आसन के बाद पर्वतासन, ऐसे। हो सकता है जब आप पर्वतासन का अभ्यास करें तो आपकी एड़ियां ऐसे उठी हों, वो ऐसा लाजमी है, क्योंकि आपकी जो घुटनों के पीछे ये वाली मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, तो ऐसा शुरू शुरू में होता है, घबराइएगा नहीं, एड़ियों की तरफ देखें। फिर उसके बाद वापस से घुटनों को ड्रॉप कर दिया टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद वापस से आपको अपने एड़ियों पे बैठना है, तो आपकी योगा ब्लॉक को वापस से पहले रख लें ऐसे, और योगा ब्लॉक के ऊपर ऐसे बैठ गए, और फिर दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करें और ऐसे सामने की तरफ देखते हुए हेड डाउन। चलिए बिगनर्स फिर से देखिए, मैंने पहले ही योगा ब्लॉक अपने दोनों एड़ियों के बीच में यहाँ पे इस जगह पे रखा है, देखिए ऐसे इस जगह पे, ऐसे यहाँ पे इस जगह पे रखा है, ठीक है। पीछे से देखिए इस जगह पे यहाँ पे रखा है ऐसे। अब 1-2 योगा ब्लॉक जितनी रखना चाहें आपकी सहूलियत है। दोनों घुटनों को दूर किया, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, सांस लिया वज्रासन, सांस को छोड़ दिया, अब सांस लिया अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन करने के पहले ही मैंने अपनी योगा ब्लॉक को यहाँ रख लिया, अर्ध उष्ट्रासन या फुल उष्ट्रासन। फिर उसके बाद वापस से योगा ब्लॉक को घुटने के बीच में रखा टेबल टॉप पोजीशन, और फिर उसके बाद आप इस तरीके से अपने योगा ब्लॉक पर बैठ जाएं और धीरे से ऐसे अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, टेबल टॉप पोजीशन, और टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद वापस से आप अपनी योगा ब्लॉक पर बैठ गए वज्रासन एंड बालासन। अच्छा, अभ्यास करने के बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शवासन का अभ्यास। ये सारा सीक्वेंस करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए शवासन में लेटिए। अगर आपको पता नहीं है शवासन क्या है तो आराम से ऐसे योगासन ऐसे अपनी योगा मैट पर लेट जाएं, दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर करें, दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें, और 5 मिनट तक शांति से बैठे, शांति से लेटे रहें।
देखा आपने मैंने कितनी आसानी से आपको हर एक स्टेप बताया, हर एक स्टेप को जितना आसान कर सकती थी मैंने उतना आसान किया। हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हैं अगली आने वाली वीडियोस मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे, और आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया, क्योंकि आपने वीडियो को अंत तक देख लिया, आपको प्रयास पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज्ञान शेयर करने से भी बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का, दोस्तों का खूब ख्याल रखिए, योग अभ्यास की निरंतरता बनाए रखिए, तभी आपको इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।